तो मेरे पास यहां पे एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का पावर 6। यहां पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में x के रूप में क्वाड्रेटिक नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर में x के रूप में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई 1 माइनस इस x का पावर 6 को हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब के रूप में क्वाड्रेटिक है, तो हम यहां पे एक्स क्यूब को क्या मान देते हैं, टी। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। तो अब हम यहां पे एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx आया और इधर dt, तो आपके पास एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, 1/3 dt। अब हम सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को हटाएंगे t लाएंगे, तो यहां पे आप देखिए एक्स स्क्वायर dx है तो ये 1/3 dt आया, होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब को t माने हैं तो ये आपका क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 dt डिवाइड बाई 1² - t². ये आप देख सकते हैं आपके पास फॉर्मूला में आ गया। आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, dx डिवाइड बाई a² - x² का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2a log a + x डिवाइड बाई a - x + c। यहां पे a का काम कौन कर रहा, 1, और x का काम कौन करेगा, t। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 1/3 × 1/2a 2 × 1, फिर ये क्या आ जाएगा, log t, मतलब a, a 1 है, 1 प्लस, यहां देखिए x है तो x क्या पे क्या आ जाएगा, t, 1 + t डिवाइड बाई 1 - t + c। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था वो x के रूप में था, तो आंसर भी x के रूप में ही आएगा। तो ये 3 × 2 मिलके क्या बनेगा आपका, 6 बना, तो ये 1/6 हो गया। फिर log आया आपके पास, 1 + t है, t किसको माने हैं आप, x क्यूब को, तो ये 1 + x³ हुआ डिवाइड बाई 1 - x³ + c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसमें जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि एक्स क्यूब को आपको टी मानना, जैसे ही हम एक्स क्यूब को टी माने, डिफ्रेंसिएट किए, मेरे फिर फॉर्मूला में लगा।